चलिए सो स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। क्वेश्चन नंबर सेवन करना था हम लोग को, यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ मेजर्स रॉयल ट्रेडर्स। ठीक है, तो अपने को अकाउंटिंग इक्वेशन बना करके दिखाना है किसका, मेजर्स रॉयल ट्रेडर्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000, तो दो चीज़ें जो कि अफेक्ट होंगी, कैश और एक कैपिटल, राइट। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, कैश में ऐड करेंगे 1,20,000 और कैपिटल में भी ऐड करेंगे 1,20,000। फिर पॉइंट टू, परचेस्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। तो हमने गुड्स खरीदा कैश पर 10,000, तो दो चीज़ें आएगा, एक तो स्टॉक जाएगा अपना, स्टॉक में से 10,000 प्लस, और कैश में 10,000 माइनस। रेंट रिसीव्ड 5,000, रेंट रिसीव्ड 5,000, तो रेंट हमें मिला 5,000 रुपये का, तो हमने कैश में ऐड किया रेंट को, और हमने कैपिटल में भी ऐड किया 5,000 रुपये को। सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000, मैंने आपको बताया था सैलरी आउटस्टैंडिंग, कुछ भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग होता है तो फिर कैपिटल में से माइनस और लाइबिलिटीज़ में प्लस, कैपिटल में से माइनस और लाइबिलिटी और अपना जो है कैपिटल में से माइनस और आपका लाइबिलिटीज़ में प्लस। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, तो हमारा लायबिलिटी में प्लस और कैपिटल में माइनस। एक लाख 15,000 प्लस 10,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो लायबिलिटी में प्लस और कैपिटल में आएगा 1,23,000।
फिर रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें मिला, कितना इंटरेस्ट मिला हमें, इंटरेस्ट मिला हमें 700, इंटरेस्ट मिला हमारे लिए रिसीव हुआ, तो फिर कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस, रिसीव्ड इंटरेस्ट कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस, रिसीव्ड इंटरेस्ट कैश में भी प्लस 700 और कैपिटल में भी प्लस 700, फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000-7,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 फॉर 7,000, आपने गुड्स सेल किया 5,000 रुपये का, कितने में, 7,000 रुपये में, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कैश में सेल किया है तो फिर कैश में प्लस कर दो 7,000, स्टॉक में से माइनस कर दोगे 5,000 और 2,000 रुपये आप अपना प्लस कर देना कैपिटल में से, तो यहां पर आया 1,22,700 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 2,000 प्लस 1,25,700। फिर सेवेंथ पॉइंट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500, तो गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं फायर से 500, क्या मतलब हुआ, बेसिकली आग लग गई हमारे गुड्स में, अगर हिंदी में कहें तो आग लग गई हमारे गुड्स में, ठीक है, मतलब हमारे गुड्स जो है वो नाश हो गया, उसका विनाश हो गया 500 रुपये का। तो इससे दो चीज़ें जो कि इफ़ेक्ट होंगी, एक तो हमारा स्टॉक माइनस होगा, एक तो हमारा स्टॉक माइनस होगा और दूसरा हमारा कैपिटल माइनस होगा, दो चीज़ें माइनस होंगी, एक तो स्टॉक दूसरा कैपिटल, दो चीज़ें माइनस होंगी, एक स्टॉक दूसरा कैपिटल, स्टॉक और कैपिटल, तो स्टॉक और कैपिटल, एक लाख 22,700 प्लस 4,500 इज इक्वल टू 2,000 प्लस 1,25,200। क्वेश्चन नंबर 7, आई होप इट इज़ क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7, आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट बस खाली एक अपने को समझना था, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500, स्टॉक में से भी 500 रुपये माइनस कर दिया और कैपिटल में से भी आपने 500 रुपये माइनस कर दिया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। सैलरी आउटस्टैंडिंग हमने पहले भी सीखा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग के रिगार्डिंग एक और डाउट आई है, एक बार फिर से सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या करते हो, मैंने बताया था सैलरी आउटस्टैंडिंग आपके लिए एक लायबिलिटी है, तो फिर आप लायबिलिटी में ऐड कर देना आउटस्टैंडिंग सैलरी और साथ में आपके लिए एक्सपेंस है, तो आप कैपिटल में से माइनस कर देना 2,000 रुपये, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग आप कैपिटल में प्लस करना, कैपिटल में से माइनस करना और लायबिलिटी में प्लस कर देना, लायबिलिटी में प्लस कर देना। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू शुभम। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अच्छा स्टूडेंट, देर इज़ अ बॉय नेम शुभम सिंह, शुभम सिंह आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कॉल ऑन द ऑफिस, आप एक बार ऑफिस में एक बार कॉल कर लीजिए, शुभम हमारे ऑफिस में आपको कॉल किया जा रहा है, ठीक है, आप एक बार ऑफिस में एक बार कॉल कर लीजिए, हमारे ऑफिस से आपको कॉल किया जा रहा है, शुभम सिंह
चलिए, आई होप इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ क्लियर। 7 हो गया है तो फिर आगे आते हैं। एक काम, एक बार देखना, एक बार टोटलिंग देख लेना। 1 22 700 + 4500 और यहाँ पर भी आपका 2000 + 1 25 700 1 25 200। ठीक है, परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर एट ए ध्यान समझना है। क्वेश्चन नंबर 8A सर एक बार नोट करना है। अच्छा, यू कैन नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। जैसा मैंने कहा था, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। प्रियांशु, आई होप यू हैव टेकन दिस स्क्रीनशॉट। चलो परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8A, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 75,000 एंड गुड्स 25,000। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 75,000 और गुड्स भी 25,000। तो अब क्वेश्चन नंबर 8A प्लीज ध्यान से देखिएगा। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया आपने 75,000, तो कैश में आपने ऐड किया और कैपिटल में भी आपने ऐड किया 75,000। फिर आपने बिजनेस स्टार्ट किया स्टॉक से, तो स्टॉक में भी 25,000 ऐड और यहाँ पर भी कैपिटल में भी आपका 25,000 ऐड। तो अब आपका टोटल आ जाएगा, सेवेंटी फाइव थाउजेंड कैश, 25,000 स्टॉक, कैपिटल में 1 लाख। राइट, ध्यान से सुनिएगा। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश लिखा हुआ था 75,000, ये तो आप लोग करना जानते हैं। 75,000 कैश में प्लस 75,000 कैपिटल में, कैश अपने कैपिटल में प्लस कर दिया और लिखा हुआ था एंड गुड्स 25,000। तो मतलब जो प्रोप्राइटर है वो अपने साथ में सिर्फ कैश ही नहीं लेकर के आ रहा, वो अपने साथ में स्टॉक भी लेकर के आ रहा, अपने साथ में गुड्स भी लेकर के आ रहा। गुड्स लेकर के आ रहा 25,000 रुपये का, इसलिए मैंने स्टॉक में भी 25,000 रुपये ऐड किया और कैपिटल में मैंने 25,000 रुपये ऐड किया। तो स्टॉक में मेरा 25,000 ऐड हो गया, कैपिटल में मेरा 25,000 ऐड हो गया। तो कैश 75,000 हो गया, स्टॉक 25,000 हो गया, कैपिटल मेरा टोटल ऐड होने के बाद में 75 + 25 1 लाख हो गया। आई होप दिस इज़ क्लियर। स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको वेबसाइट भी खोल के दिखाऊंगा। वेबसाइट में सबको क्वेश्चंस कहाँ से मिल सकते हैं मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगा। पहले लेट अस फोकस राइट नाउ हेयर। क्वेश्चन नंबर 8A, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 8A, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 8A, पहले ये बताओ 8A फर्स्ट पार्ट क्लियर है सबको? चलो परफेक्ट। एट बी, एट ए का सेकेंड पार्ट, पेड फॉर रेंट 2,000, रेंट के लिए पे किया आपने 2,000। तो आपने यहां पर कैश माइनस किया 2,000 और यहां पर आपने कैपिटल में से भी माइनस किया 2,000। तो अब हमारे पास जो कैश बच करके आ रहा है, ये कैश हमारे पास में बच करके आ रहा है 73,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 98,000। थर्ड पॉइंट, बॉट गुड्स फॉर कैश
₹30,000 एंड ऑन क्रेडिट 44,000। तो बॉट गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹44,000। तो आपने गुड्स खरीदा, कैश में भी खरीदा है और क्रेडिट पर भी खरीदा, तो फिर थर्ड का ए बी। थ्री का ए, कैश पर खरीदा आपने तो कैश में से माइनस और स्टॉक में प्लस। और जब थर्ड का बी, जब आपने क्रेडिट पर खरीदा तो स्टॉक में प्लस और आपका क्रेडिटर में भी प्लस। क्वेश्चन नंबर 3A, 3B, 3A में आपने कैश में से माइनस किया, स्टॉक में प्लस किया, फिर आपने 3B में स्टॉक में प्लस किया 44,000 और क्रेडिटर्स में भी आपने प्लस किया 44,000, ये आपने कर लिया। तो फिर अब आपका कैश आ गया 43,000, स्टॉक आ गया आपका 99,000, क्रेडिटर्स आ गया आपका 44,000 और कैपिटल आ गया आपका 98,000। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट पर अगर हम लोग आएँ, गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, आउट ऑफ विच ₹27,500 रिसीव्ड इन कैश। आई होप थर्ड तो क्लियर होगा, फोर्थ वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, आउट ऑफ विच ₹27,500 रिसीव्ड इन कैश। सो गुड्स कॉस्टिंग है 50,000, सेल किया आपने 25% के प्रॉफिट पर, आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव्ड इन कैश। गुड्स है हमारा, कॉस्टिंग है इसकी 50,000, प्रॉफिट है हमारा इस 50,000 का 25%, 12,500, तो हमारा टोटल सेल्स प्राइस 62,500 हो गया, जिसमें से हमको कैश मिला 27,500। तो इसका मतलब है क्रेडिट गुड्स सेल किया आपने, गुड्स कॉस्टिंग है 50,000, आपने इसको सेल किया प्रॉफिट 50,000 के 25% पर 12,500, तो आपका टोटल सेल्स प्राइस ये बना 62,500, जिसमें से आपको कैश मिला 27,500। तो फिर आपने गुड्स को क्रेडिट पर सेल किया है ₹35,000 के। इसका मतलब ध्यान से समझो क्या हुआ, हमने ₹50,000 गुड्स का कॉस्ट सेल किया। ₹50,000 जो गुड्स का हमने कॉस्ट सेल किया है उसको हम अपने स्टॉक में से माइनस कर लेते हैं। हमको प्रॉफिट हुआ है 12,500 का, फिर हमने यहाँ पर देखा, हमको इसमें से कैश मिला है 27,500। कैश कितना मिला? 27,500। ये आपको कैश रिसीव हुआ है 27,500, और बाकी ये आपका क्रेडिट सेल्स है,
ये आपका क्रेडिट सेल्स है कितना 35,000। तो अब अगर हम लोग बात करें कि हमको यहाँ पर कैश में प्लस करना है 27,500, तो क्रेडिट सेल्स है हमारा। क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या आएगा हमारा यहाँ पर? डेटर आएगा। डेटर है हमारा कितना? 35,000। ठीक है, फिर से बात को समझिएगा। हम लोगों ने 50,000 रुपये के स्टॉक को सेल किया है एट 25% प्रॉफिट। 50,000 रुपये के गुड्स को सेल किया है एट 25% प्रॉफिट। तो पहले तो मैंने स्टॉक में से 50,000 घटाया और कैपिटल में 12,500 रुपये ऐड कर दिया, जो कि मेरे प्रॉफिट का था। यहाँ पर अब लिखा हुआ था कि आपको 27,500 रुपये रिसीव हुआ है कैश में, मतलब मैंने कैश में ऐड कर दिया 27,500। तो मतलब बाकी बचा हुआ 35,000 रुपये मैंने क्रेडिट पर सेल किया है। मतलब मेरा क्या आइटम आएगा? मेरा यहाँ पर आएगा डेटर। क्या आएगा यहाँ पर? डेटर। और मैं डेटर में ऐड करूँगा कितना रुपये? डेटर में मैंने ऐड कर दिया 35,000 रुपये। डेटर में मैंने कितना ऐड कर दिया? डेटर में मैंने ऐड कर दिया है 35,000 रुपये। तो अब ये मेरा बन गया। यहाँ पर कोई भी किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 8A, प्लीज़ यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट। ओके, देखो 8A का फिफ्थ वाला पॉइंट ध्यान से देखना। 8A का फिफ्थ वाला पॉइंट ध्यान से देखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिखा हुआ है आपको परचेज्ड अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। ध्यान सुनना, परचेज्ड अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़, इसका मतलब क्या हुआ ध्यान समझना। आपने मोटरसाइकिल ख़रीदा है, किस पर्पज़ से? पर्सनल यूज़ के पर्पज़ से। आपने मोटरसाइकिल ख़रीदा है पर्सनल यूज़ के पर्पज़ से। प्लीज़ ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आपने मोटरसाइकिल ख़रीदा है पर्सनल यूज़ के पर्पज़ के लिए। यू हैव परचेज्ड मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर हम कोई भी चीज़ पर्सनल यूज़ के पर्पज़ से कहते हैं, मतलब प्रोप्राइटर अपने घर के लिए ख़रीदा है, अपने बिजनेस के लिए नहीं ख़रीदा है, और कोई भी चीज़ अगर पर्सनल यूज़ के पर्पज़ से आती है, पर्सनल यूज़ का मतलब ही हो जाता है ड्राॅइंग्स। पर्सनल यूज़ का मतलब क्या हो जाता है आपका? ड्राइंग्स। जब हम कुछ भी ख़रीदते हैं अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, इट मींस वी आर डूइंग व्हाट? वी आर डूइंग ड्राइंग्स। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं ड्राइंग्स। तो जब आप ड्राइंग्स करोगे तो फिर आपका कैपिटल में से माइनस होगा, ध्यान समझना। अगर यही मोटरसाइकिल मैंने बिजनेस के पर्पज़ से खरीदा होता, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मोटरसाइकिल परचेज फॉर पर्सनल यूज़, अगर यही लिखा होता मोटरसाइकिल परचेज फॉर बिजनेस यूज़, अगर ये बिजनेस यूज़ लिखा होता तो फिर हम एसेट्स में प्लस कर देते। मगर यहाँ पर लिखा हुआ मोटरसाइकिल परचेज फॉर पर्सनल यूज़, तो फिर आप इसको क्या कहोगे? आप इसको कहोगे इट इज़ ड्राइंग। सो मोटरसाइकिल हम लोगों ने परचेज किया है पर्सनल यूज़ के पर्पज़ से। पर्सनल यूज़ के पर्पज़ से जो हम कहेंगे मोटरसाइकिल हमने परचेज किया है, देन इट इज़ व्हाट? इट इज़ ड्राइंग्स। देन इट इज़ व्हाट? इट इज़ ड्राइंग्स। तो अब जब ये ड्राइंग्स है, ध्यान समझना, जब ये क्या है? ड्राइंग्स है। तो याद है स्टूडेंट्स, ड्राइंग के समय हम लोग क्या करते थे? हम लोग एक तो कैश में से माइनस करते थे। अमाउंट कितना? अमाउंट देख लूँ, अमाउंट है मेरा शायद 20,000। हाँ जी। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते थे? हम लोग यहाँ पर दो जगहों से माइनस करते थे। एक तो हम लोग यहाँ पर कैश में से अपना माइनस करेंगे 20,000, और एक हम यहाँ पर
अपना कैपिटल में से भी माइनस करेंगे 20,000, क्वेश्चन नंबर 8A, आई होप आंसर इज क्लियर टू यू। 50,500 कैश, 49,000 स्टॉक, 35,000 का डेटर, तो 50,500 कैश, 49,000 का स्टॉक, 35,000 का हमारा डेटर, टोटल आ रहा है 1,34,500 माइनस 44,000 और 90,500। तो बेसिकली एसेट साइड हमारा बराबर हो गया किसके, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8B, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8B, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, ठीक है। तो करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी जल्दी से। 8B, अच्छा क्वेश्चन 8A में अपने को बैलेंस शीट ना कह रहा था बनाने के लिए। नहीं, मगर क्वेश्चन 8B में अपने कह रहा है कि आपको बैलेंस शीट बनाना है। एट बी फर्स्ट कह रहा है आपको, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000। रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000, तो अब अपने लोग कैश में भी ऐड कर देंगे 1,50,000 और अपने लोग कैपिटल में भी ऐड कर देंगे 1,50,000। फिर बॉट गुड्स फॉर कैश ₹80,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹40,000। बॉट गुड्स फॉर कैश ₹80,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹40,000। तो आपने स्टॉक खरीदा है दो चीज़ों से, एक तो कैश से भी और एक क्रेडिट पर भी। स्टॉक ₹80,000 कैश, और क्रेडिट पर खरीदा है तो
अब हम क्रेडिटर्स में भी ऐड करेंगे, फिर आपका है गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.12%, मतलब 33.5%, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। मेरे को लगता है 33 1/2 नहीं होगा, ये 33 1/3 होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर, 33 1/3 इसको कर लीजिएगा। तो फिर वही चीज़ है, वैसा ही क्वेश्चन है सेम टू सेम अपने लिए। गुड्स कॉस्ट है हमारी 75,000, हमारा प्रॉफिट आ गया 75,000 का 33.33%, 75,000 का 33.33%, तो ये आपका आ गया 25,000। टोटल आ गया आपका सेल्स, सेल्स टोटल आ गया आपका 1,00,000। इसमें से आपने कैश कितना सेल किया है, कैश सेल किया है आधा, और क्रेडिट कितना सेल किया है, क्रेडिट भी सेल किया आधा, मतलब 1,00,000 का आधा कितना हो गया 50,000, ये हो गया अपना कैश, और क्रेडिट कितना हो गया, क्रेडिट भी हो गया अपना 50,000। ठीक है, गुड्स कॉस्ट है 75,000, प्रॉफिट है 75,000 का 33.33%, 25,000, सेल किया आपने 1,00,000, इसमें से कैश है 50,000 और क्रेडिट भी है आपका 50,000। अब ध्यान से देखना क्या करोगे, यहाँ पर गुड्स कॉस्ट है 75,000, तो 75,000 को आप स्टॉक में से माइनस कर दो। अपना प्रॉफिट हुआ था 25,000, राइट? तो प्रॉफिट के लिए आप कैपिटल में प्लस कर दो। आपका कैश में सेल हुआ है 50,000, तो फिर कैश को प्लस कर दिया आपने। आपका क्रेडिट पर सेल हुआ है 50,000, डेटर आ जाएगा यहां पर, राइट? ये देखो ध्यान से, एट बी, आई होप इट इज़ क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर। एट बी का थर्ड वाला पॉइंट, आई होप इट इज़ क्लियर। एट बी थर्ड वाला पॉइंट, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अच्छा थर्ड वाले तक हम लोगों ने कर लिया है। फोर फिफ्थ और सिक्स्थ मैं होमवर्क देना चाहता हूँ आप लोगों को, आप लोग स्क्रीनशॉट अब ले लीजिएगा। फोर फिफ्थ और सिक्स्थ मैं होमवर्क देना चाहता हूँ आप लोगों को, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। फोर फिफ्थ और सिक्स्थ होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक
ठीक है, तो 8B 1 2 3 तो मैंने करवा दिया, 4, 5 और 6 बहुत ही ईजी है। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर रुपीज़ 12,000 ऑन क्रेडिट आप लोग कर लोगे, पेड फॉर रेंट, रेंट पे किया है और सैलरी भी पे किया, ये भी कर लोगे गुड्स कॉस्टिंग बार। अच्छा ये देखना, 6 वाला पॉइंट देखना, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 18,500 फॉर कैश, तो स्टॉक में से 20,000 माइनस करोगे, कैश में 18,500 प्लस करोगे और अपने प्रॉफ अपने कैपिटल में से, क्योंकि लॉस है आपको, कैपिटल में से आप 1,500 रुपये माइनस करोगे, कैपिटल में से आप कितना माइनस करोगे, कैपिटल में से आप 1,500 रुपये आप माइनस करोगे। तो क्वेश्चन 8B, क्वेश्चन 8B ये होमवर्क है हम आपके लिए। 3 तक मैंने करवा दिया है, पॉइंट नंबर 3 तक मैंने करवा दिया है, 4, 5 और 6 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ऑलरेडी डन बाय अस, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ऑलरेडी डन बाय अस, 9 एंड 10 ऑलरेडी डन बाय अस। लेट अस नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11 वेरी फास्ट, लेट अस नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11 वेरी फास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कहता है, ए कमेंस्ड हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विद कैपिटल ऑफ ₹3,00,000। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2012 हिज एसेट्स वर वर्थ ₹5,00,000 एंड लाइबिलिटीज ₹1,00,000। अच्छा ठीक है, फाइंड आउट इज क्लोजिंग कैपिटल, ध्यान से समझो, अपने को यहाँ पर 1 अप्रैल 2011 कैपिटल दे दिया उसका ₹3,00,000, तो 1 अप्रैल 2011 आपको ओपनिंग कैपिटल दिया है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, ओपनिंग कैपिटल दिया है आपको यहाँ पर, और ओपनिंग कैपिटल आपको दिया है यहाँ पर कितना ₹3,00,000। फिर आपको कह रहा है 31 मार्च 2012 को आपको दिया यहाँ पर एसेट्स, एसेट्स दिया है आपको ₹5,00,000, आपको दिया है यहाँ पर लायबिलिटीज, आपको यहाँ पर लायबिलिटीज दिया है ₹1,00,000। तो अब आपका क्योंकि साल का क्लोजिंग है, तो आपका जो कैपिटल आएगा, क्लोजिंग कैपिटल आएगा, या आपका आएगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। मैंने उसी फॉर्मूले के हिसाब से काम किया, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, उसमें से कैपिटल को मैंने एसेट्स की जगह पर लेके आ गया, तो क्या हो जाएगा अपना, बेसिकली आपका कैपिटल का फॉर्मूला हो जाएगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, आपका कैपिटल का फॉर्मूला हो जाएगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो आपका जो क्लोजिंग कैपिटल आएगा ये आएगा ₹5,00,000 माइनस ₹1,00,000 ₹4,00,000। आपका जो क्लोजिंग कैपिटल आएगा, ये क्लोजिंग कैपिटल आपका कैसे आया, आपका आया एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स ₹5,00,000, लाइबिलिटीज ₹1,00,000, ₹4,00,000 आया आपका क्लोजिंग कैपिटल। अब ध्यान से समझो, हमसे पहले तो पूछ रहा था फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, और मेरे से अगला चीज़ मांग रहा है क्या, अगला चीज़ मेरे से मांग रहा है प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, अगला चीज़ मेरे से मांग रहा है प्रॉफिट earned during the year, ठीक है, profit earned during the year, हमसे अगला चीज क्या मांग रहा है, हमसे अगला चीज मांग रहा है profit earned during the year। अब ध्यान समझो, profit earned during the year कैसे करके आएगा, जैसे अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट क्या होगा आपका, तो प्रॉफिट का एकदम सिंपल सा हमारा जो फॉर्मूला होता है, हालांकि हम लोग एक और ब्रॉड फॉर्मूला समझेंगे, अभी प्रॉफिट सिंपल सी बात समझो, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग और ओपनिंग मैं आपको बताऊँ, क्लोजिंग मतलब साल के अंत में, ओपनिंग मतलब साल के शुरुआत में, तो क्लोजिंग आपका है 4, ओपनिंग आपका है 3, तो आपका प्रॉफिट आ गया ₹1,00,000, प्रॉफिट आ गया आपका ₹1,00,000। ठीक है, प्लीज़ ध्यान समझिएगा, प्रॉफिट का हमारा क्या फॉर्मूला, प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला वो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग सपोज करो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, साल के शुरुआत में मेरी पूंजी ₹100 थी, साल के अंत में मेरी पूंजी 120 हो गई, तो 100 से 120 मेरी पूंजी कैसे बढ़ी, प्रॉफिट से बढ़ेगी, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ ₹20 का, तो वही तो हमने कहा प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11. आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन. आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. प्लीज़ इस क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा. आज जो बस मुझे पढ़ाना है बस इतना ही है.